नमस्कार के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और 5 जुलाई सोमवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में फिर डीएनए वाला बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के क्यों ना हों। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के करीब एक हफ्ते बाद श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन पर बैन लगा दिया है। इससे पहले राजौरी और कठुआ में लग चुका है, अब श्रीनगर में ड्रोन की खरीद बिक्री और उसे रखने पर रोक रहेगी। जिन लोगों के पास ड्रोन है उन्हें इसे पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। राफेल डील को लेकर कांग्रेस फिर अटैकिंग मोड पर आ गई है। राहुल गांधी ने रविवार को पूछा कि पीएम मोदी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच से क्यों बचना चाहते हैं। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, इसमें एक व्यक्ति का आधा चेहरा और जिसकी दाढ़ी में राफेल की फोटो है। आगे राहुल ने लिखा कि चोर की दाढ़ी। ट्विटर के खिलाफ 5वां मामला दर्ज किया गया है। ताज़ा मामला हिंदू देवी के अपमान का है। एक वकील ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत की है। देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी और ट्विटर हैंडल एथिस्ट रिपब्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलीपींस में 85 सैनिकों को लेकर जा रहा एक मिलिट्री प्लेन रविवार को क्रैश हो गया। प्लेन ने कागायन डियोरी सिटी से उड़ान भरी थी। आर्मी चीफ जनरल सिरेलेटो सोबिजाना ने AFP को बताया कि C-130 प्लेन में आग लग गई थी। हादसे में 45 सैनिकों की मौत हो गई है, बाकी को बचा लिया गया है। ये तो थी प्रमुख खबरें, अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। दिल्ली के सुबोध भाटी T20 मैच में 200 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। गेल 175 रन के साथ दूसरे नंबर पर है। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 11 पुराने मंत्रियों ने भी शपथ ली। दिल्ली में अनलॉक 6 की शुरुआत, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान 200 किसान संसद के बाहर रोष प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजकर समर्थन मांगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 83 दिनों बाद मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस अपना पद छोड़ेंगे, NDJC उनकी जगह लेंगे। देश भर में मानसून आ चुका है, तो आपको बताते हैं कि कुछ प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा आज मौसम। जयपुर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा और यहां आसमान साफ रहेगा। भोपाल में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, सुबह आसमान साफ, दोपहर बाद बादल होंगे। रायपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा और यहां गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। पटना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहां बादल और हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, यहां बादल छाए रहेंगे। शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहेगा और आसमान बादलों से घिरा रहेगा। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा, यहां आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा, यहां बादल गरज चमक संग बारिश के आसार हैं। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा और आसमान बादलों से घिरा रहेगा। मुंबई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहां बादल और रिमझिम बारिश के आसार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ। आज एक ऐसी भेड़ का जन्मदिन है जो लैब में पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों ने इस भेड़ को क्लोनिंग के जरिए बनाया था। इस तरह पैदा होने वाली ये दुनिया की पहली प्रजाति थी। इसके लिए एक सफेद भेड़ के शरीर से सेल निकाले गए और दूसरी भेड़ के शरीर से एक सेल निकाली गई। इन दोनों सेल को न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए फ्यूजन करवाया गया और एक तीसरी भेड़ के गर्भाशय में डाला गया। इससे पहले कई साल से वैज्ञानिक क्लोन बनाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस कामयाबी के बाद अलग अलग प्रजातियों की क्लोनिंग की गई। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने कहा है, लोगों को इसकी फिक्र नहीं कि आप क्या कहते हैं,
उन्हें इस बात की परवाह है कि आप क्या बनते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।